39 डिग्री सुबह क्या हो गया ये देखो, इतना गंदा रिव्यू देंगे मीशो वाले है ना उनके प्रोडक्ट। काम चल रहा है धमाधम। 26 मई के दिन आने वाले हैं साइक्लोन, 42 दिखा रहा है, टाइम का पता ही नहीं चला कब। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 हो रखे हैं। जस्ट मैंने मतलब आज न कितने बजे उठी भाई, मैं 9:30 बजे, थोड़ा सा लेट हो क्योंकि लेटनेस स्टडी किया था मैंने कल रात 1 बजे तक किया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। बट कोई ना, कल व्लॉग जल्दी अपलोड किया, थैंक्स यूट्यूब फॉर दिस। एंड भाई तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे मैं सॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम को, कॉपीराइट स्ट्राइक हटवाने में प्लीज मेरी मदद करो भाई लोग। तो हाँ जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके जस्ट आई हूँ, अभी मैं पढ़ने बैठूंगी 3-4 आवर्स आराम से। भाई देखो ना सुबह सुबह क्या हो गया ये देखो, ये यार पूरा अगर स्किन में या फेस में कुछ निकला जाए तो पूरा फेस ही मतलब अजीब लगने लगता। बट कोई ना भाई, अभी हम आज कंप्लीट करेंगे, रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ऐसे द वे अदर्स मैंने 2 पोएम्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे कल रात ही 1 बजे तक पढ़ा था। मेरा मोटिव कल यही था पढ़ने का रात तक कि सारा कुछ पोएम्स सारा कुछ जो है ना अर्नब सर के सिलेबस में वो सारा मैं कल ही कंप्लीट कर लूँ। और बाकी के दिन 2 दिन है अभी, सैटरडे और संडे, तो ये 2 दिन मैं रिवाइज करूँगी। तो आज रिवाइजिंग डे, 3-4 आवर्स आराम से रिवाइज करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, अभी जैसे मैं पढ़ के बैठी हूँ कुछ करने को यार। तुम लोग को ब्लॉग देखने में भी मतलब आलस से आता है, घर वाले कंटेंट ही नहीं देते, क्या ही बोले। और ना मेरे को एक जस्ट चीज सिंपल चीज बताना है ब्लॉग में कि जो मीशो वाले है ना उनके प्रोडक्ट तो अच्छे ही होते, कोई कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, बट अब से मैंने इन लोग का मतलब साड़ी तो मैं परचेस ही नहीं करूंगी। एक सीन हुआ है मेरे को जिन लोग ने कॉल तो किया है ना, ऊपर से कस्टमर केयर वो लोग बोल रहे थे मैंने कॉल किया, ठीक है मतलब कितने दिन पहले कॉल किया था, 3-4 लोग को मतलब 4-5 लोग को कॉल किया था, वो बोल रहे हम यहाँ से ट्राई करते हैं रिटर्न करवाने की, मतलब रिटर्न अप्लाई करने की, रिटर्न अपील करने की हम अप्लाई कर देते हैं। कितना बोला, कितने 5-6 लोग ने बोला, किसी ने नहीं किया। तो मैंने फिर आज मतलब कुछ झोल मार लगा मेरे को, तो मैंने जस्ट फिर आज कस्टमर केयर में कॉल किया और बोला कि मेरा तो रिटर्न ही नहीं हो रहा पार्सल और मेरा पेमेंट भी रिटर्न नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ से ट्राई कर दे, और तुरंत ही उन्होंने रिटर्न के लिए अप्लाई भी कर दिया, मैसेज भी आ गया मेरे में, और वो बोल रही हैं कि कल आएगा रिसीव करने पार्सल, वो लेके जाएगा, फिर पेमेंट भी मेरे को UPI के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे वो। भाई मतलब इतना केयरलेस क्यों करते हो, अगर पहले ही करना था तो पहले ही कर देते भाई, इतना झोल मार क्यों। और ना इतना मतलब अभी 31 को साड़ी आएगा, ठीक है मीशो से सेम साड़ी है मैंने मंगवाया है फिर से, अब अच्छा प्रोडक्ट नहीं आया ना, इतना गंदा रिव्यू देंगे, इतना गंदा रिव्यू देंगे भाई, तुम वेट करो पहले। आज अच्छे आई होप वो वाला साड़ी आ जाए, क्योंकि ना आज ग्रुप पे तो मैसेज आया था कि 3 जून को फेयरवेल है, तो उससे पहले आ जाना था। मस्त गर्मी नहीं लग रहा है, रुको वेदर चेक कर, अरे वेदर चेक कर ना, रुको इधर जाओ फोन, हम वेदर चेक कर, रुको मैं चेक करती हूँ, मुझे लग रहा है 39 तो होगा ही भाई यार, दिल्ली में तो 45 है भाई साहब, और बिहार में तो बिहार लखनऊ में तो 50 होगा ही भाई, राजस्थान रुको देख रहे भाई, राजस्थान का मत पूछ भाई, राजस्थान तो 70 भाई, ये इंसान ना पागल हो जाएगा, इसलिए मैं बोलती घर में रहो। रुको भाई देखो ये 39 डिग्री भाई, सिलीगुड़ी में 39, दिल्ली में 50 नहीं 45 भाई, और राजस्थान में तू क्या बोल रहा था 70, पागल इंसान है भाई, ये काम दम है नहीं ना तेरा, नहाने जा चल, ए उठ
नहाने जा, नहाने जा बोल रही हूँ, नहाने जा, जा नहाने। नहीं जाऊंगा, अब जाओ। अभी तो बोल रहा था ना जाऊंगा नहाने, वो समय गर्म लग रहा था। अभी क्या लग रहा है, कैसे खोला भाई तूने, देखा भाई ये हाथ तेरा किधर है, हाथ हाँ जा नहाने, नहाने जा, नहाने जा। यार गर्मी, तपती धूप, गर्मी और देखो गली में काम चल रहा है, धमाधम काम चल रहा है। और मैं भी आई थी यहाँ पे स्पीकर लेने भैया के लिए, भैया ने बोला था कि स्पीकर लाओ रूम से, भाई बुरा हाल हो रखा है गर्मी की वजह से ना, इस गर्मी से बेहाल। आप लोग कैसे सो गए इतना गर्मी में भाई, पड़ी माँ लोग सोए थे इतना गर्मी में, कैसे सोए भाई। मेरा ये जो रूम है ना, ये तो भाई गर्मी के मारे ना मतलब बहुत ज़्यादा ये वाला रूम गर्म है, और भैया का रूम थोड़ा सा मतलब भैया के रूम में थोड़ा हवा घुसता है, मेरे रूम में तो घुसता ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सपने देख रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ, इधर मेरा हाल बुरा हो रहा है, दिल्ली में जाकर क्या होगा भाई, पागल हो जाऊँगी मैं। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, चलो भाई लंच करके थोड़ी देर सोती हूँ मैं, अगर नींद आए कि कितनी गर्मी में इम्पॉसिबल है नींद ना आना। 5 hours later. So guys, अभी 6:25 हो रहा है, 6:25 हो रहा है शाम के, और थोड़ी देर पहले मतलब 6 बजे उठी, और मैं जैसे 6 बजे उठी ना मैंने और कुछ नहीं देखा, मैं सीधा बाथरूम में घुस के नहाने के लिए, इतना गर्मी बढ़ रहा है इधर तो। मतलब हम लोग के एरिया में शायद 39 है, और सिलीगुड़ी में अलग टेम्परेचर है, चंपासरी साइड सिलीगुड़ी का एक प्लेस है चंपासरी बोल के जगह है, तो उधर है 42 दिखा रहा है, माई गॉड भाई क्रेजी होने वाला। और आज मैंने इंस्टाग्राम पे क्या देखा कि कल 26 में है ना, तो 26 मई के दिन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आने वाले हैं साइक्लोन, आंधी तूफान आने वाला है, जो दिखा रहा था वही था, अब कितना सच है कितना झूठ है कल ही पता चलेगा। और हाँ भाई बहुत अच्छा आज का वेदर, मतलब शाम का वेदर तो वैसे भी, शाम का व्यू वैसे भी अच्छे होते हैं। देखिए ये देखिए भाई, और ये नीचे इंसान झाड़ू लगा रहा है, लगाओ लगाओ झाड़ू, झाड़ू लगाओ रे, आ झाड़ू वाला, और दूसरा साइकिल चलाने वाला, साइकिल वाला। चलो अभी नीचे चलते थोड़ा सा स्किन केयर करते, फेयरवेल से पहले ये ठीक हो जाना चाहिए। अरे भाई मैंने तो देखा ही नहीं, जब उधर मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तब मेरे को पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं दिखा, अभी मेरे को इस आँख में लग गया ना भाई साहब, ये देखो भाई, देखोगे क्या, 1 2 3 ये देखो भाई ब्यूटीफुल, अरे हाय चुमेश्वरी, नज़र न लगी इस वेदर को, ये वेदर को तो मेरा ही नज़र लग जाएगा शायद, हो बारिश तो करवाना चाहिए ना इतना धूप में भी, अब क्या कर सकते हैं, बट ये वेदर है। हे गाइस अपन आ गया है रूम में, क्योंकि छत पे ना मैं थोड़ी देर बैठी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कब 6:40 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, 7 बजने वाले, एडिट भी करना है पढ़ना भी है भाई, पहले थोड़ा सा पढ़ने पे। और इसी में आज का ब्लॉग एंड करते दोस्तों, आई होप आप सब आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पूरा ब्लॉग देखना ठीक है, स्किप मत करके देखना भाई, तुम लोग ऐसे करते धन जी, मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग।